नमस्ते, स्वागत है कल्पना की स्वादिष्ट रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बिल्कुल नए स्टाइल की सब्जी लेकर के, वो भी अपने माँ के हाथों की सब्जी। ये सब्जी मैंने कहीं भी नहीं खाई है, ना तो किसी होटल में, ना तो किसी ढाबे में, सिर्फ जब घर जाते हैं, जब ही मैं बनाती हैं तो ये बहुत पसंद आती है सबको, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पर हमने ले रखा ये भीगी हुई, दो घंटे पहले मैंने चने की दाल को भिगो दिया था एक कटोरी, और उससे कम जरा से आधी कटोरी उड़द दाल को भिगो दिया था। तो चने और उड़द दाल की सब्जी बनाएंगे, इसको मम्मा रिकॉज बोलती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, आज ये उनकी तरफ से है आप सब लोगों के लिए। तो ये है चने दाल एक कटोरी, उड़द दाल है आधी कटोरी भीगी हुई, एक टमाटर है, और ये एक ऑनियन है जो रफली कट करके रखा हुआ है, इसको सारा ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे तीन चार ले रखा है हरी मिर्ची, लहसुन की कुछ कलियाँ हैं एक टेबल स्पून, खड़ी धनिया है और एक टेबल स्पून, जीरा है, ये काली मिर्च के कुछ दाने हैं, ये चकली के फूल थे जिसको मैंने कट करके जरा से दो फूल ले लिए हैं, इसके तीन लौंग हैं, और ये है बड़ी इलायची, हल्दी पाउडर एक टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर, मिर्ची ऑप्शनल है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक लेमन है, और यह है हींग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जितने मसाले हैं ना, इनको हम जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। इनको सबको जार में डाल दिया है। अब हम डाल देते हैं इसमें ऑनियन और लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, और इसको चलिए ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं। यहाँ पे ज़रा से पानी डालेंगे कि आराम से ये जो धनिया है खड़ी मसाले वो पीस जाए। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो फुल देखिए, जब ये सब्जी समझ में आएगी। तो ये देखिए सारे मसाले पीस चुके हैं, अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं, और इसी में हम टमाटर पीसेंगे। मसालों को निकाल लिया है, अब टमाटर को ग्राइंड कर लेते हैं, इसको भी बारीक पीस लेते हैं। तो ये टमाटर भी पीस के रेडी हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं एक कटोरी में। अब इसी जार में हम पीस लेंगे दाल, ये हमने यहाँ पे डाल दिया चने दाल जो लिया हुआ था, दोनों को साथ ही पीसना है, क्योंकि इसका जो रहेगा जो बनाएंगे ना सब्जी, तो साथ में ही चाहिए। तो दोनों दालों को मैंने डाल दिया है, चलिए अब इसको पीस लेते। चलिए, इसमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही पीसना है, इसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए दाल बहुत अच्छे से पीस चुकी है, बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, आप जो भी तेल का, जिस भी ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं करते हैं, करिए। ये हम डालते हैं इसमें 1/2 टेबल स्पून हींग तड़का के लिए, और ये डाल दिया हमने एक लाल मिर्च पाउडर। तेल बहुत अच्छे से पक चुका है ये देखिए, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं ये जो सब्जी मसाला मैंने पीस करके सारा रखा हुआ था, और इसको अच्छे से हम भूनते रहेंगे जब तक इसमें से तेल से ये अलग नहीं हो जाता है मसाला। ये रिक्वेस्ट बहुत ही अलग बनता है, बिल्कुल डिफरेंट सब्जी है ये, मेरी माँ बनाती बहुत अच्छी लगती है सबको। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए, और प्लीज़ वीडियो में जुड़े रहें अंत तक हमारे साथ, जिससे कि इसकी रेसिपी आप तक आराम से पहुंच सके और आप समझ सके। तो हमें ऐसे इसको भूनते रहना है। अब यहाँ पे हम खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, डाल देते हैं ये टमाटर की प्योरी जो हमने पीस करके रखा हुआ था, इसको भी 5 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनेंगे, जब पूरे मसालों के साथ ये मिक्स हो जाएगा और तेल इसका बाहर आ जाएगा, जब तक इसको भूनते रहना है। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून रहा है, आपको ऐसे ही भूनना है। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक, 1/2 टेबल स्पून नमक ऑप्शनल है, आप अपने स्वाद अनुसार देखिएगा, और हमको इसको मिक्स कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी सब्जी समझ में ना आए ना, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अलग रहती है, और प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे हमने डाल देना है एक कटोरा पानी या 2 ग्लास पानी, ये झोल वाली रहेगी, ये देखिए ये इसको हमने यहाँ पे पानी का प्रयोग कर लिया है, पानी डाल दिया है। अब इसमें उबाल आने तक हम छोड़ देते हैं, जब तक पानी में बबल्स नहीं आने लगते हैं, पकने नहीं लगते, इसको ढक करके छोड़ देते हैं। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं और उबाल आने देते हैं, बाद में इसमें चने की दाल डालेंगे। तो ये देखिए
पानी में, मसाले के पानी में बबल्स आने लगे हैं। अब हमने यहाँ पे जो दाल पीसी हुई थी उसमें मिलाएंगे जरा से नमक। नमक कम ही डालना है क्योंकि पहले भी हमने डाला हुआ है। और मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो ये मिक्स हो चुका है। अब इसको छोटे छोटे ऐसे पेड़े बना करके हम डाल देते हैं। एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि पानी उबलने के बाद ही हमें डालना है, नहीं सारी दाल फैल जाएगी और बिल्कुल कढ़ी बन जाएगी। तो हमें कढ़ी नहीं बनाना है, हमें रिकोच बनाना है। और ऐसे ही छोटी छोटी पकौड़ियों को हमें इसमें डाल देना है। ये देखिए मैंने डाल दिया है और ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे ऐसे, ये ऐसे ही अभी सारे ऊपर आ जाएंगे 10 मिनट में। तो हम इसे 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल देखिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकॉन के बटन को ऑल पे करें जिससे कि सारी रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चलिए 10 मिनट बाद मिलते हैं। इसको ढक दिया है मैंने, चलिए देखते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और सब्जी रेडी हो चुकी है। ये देखिए जो भी मैंने पकौड़ियाँ जो भी हाथ से वाड़े वाड़े डाले थे, रिक्वच डाले थे, वो सारे ये देखिए ऊपर आ चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आप इसे दाल सब्जी चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं गैस बंद करके। चलिए एक कटोरे में निकाल लेते हैं। पहले बोलना चाहेंगे कि हमें ऐसे ही पता चलेगा कि ये पक चुकी है जब इसकी सारी वड़े ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए जब ही समझ लेंगे कि तो पक चुका है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स सब्जी को निकाल लिया है और इसमें डाल देते हैं नींबू एक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है और रिक्वेस्ट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को ऑल पे करें जिससे कि सारी रेसिपीज आप तक पहुंच सके। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ ट्राई।